गाइस, वेलकम टू एनिमल्स प्लांट रिसर्च। आज का टॉपिक है, हम कुछ ऐसे जीवों के बारे में जानेंगे जो धरती पर काफी लंबे समय तक जीवित रहने की अपने अंदर कैपेसिटी रखते। चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 5 रिसर्च। चलो पहले रिसर्च की ओर चलते हैं। पहले रिसर्च में हमने रखा है द रॉक को। अरे नहीं, द रॉक नहीं, द रॉक फिश है। इसका पूरा नाम है रोधई रॉक फिश। चलो रॉक फिश के बारे में जानते हैं। रॉक फिश का नाम रॉक फिश क्यों रखा गया आप जानते हैं? रॉक फिश का नाम इसलिए रखा गया है ना, जो उनके जो पंख होते हैं ना बहुत कंटीले होते हैं तथा इनका आकार इतना बड़ा होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है। ये 38 इंच तक लंबा हो सकता है तथा इनकी आयु 205 साल तक ये जीवित रह सकता है। और इसका रंग है ना, जो गुलाबी तथा भूरे रंग की ये पाई जाती हैं और ज़्यादातर ये प्रशांत महासागर और जापान में पाए जाते हैं। की जो संख्या है ना बहुत ही कम बची है क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पे खड़े हुए हैं। चलिए दूसरे रिसर्च की ओर चलते हैं। दूसरे रिसर्च पे हमने रखा है बोहेड व्हेल। बोहेड व्हेल मतलब लेजेंड ऑफ व्हेल। ये ग्रह का एक ऐसा स्तनपाई जीव है ना जो इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इनमें से कई व्हेल ऐसे हैं ना जो 200 वर्ष से अधिक पुराने माने जाते हैं, जबकि इनमें से सबसे पुराना जो व्हेल है ना वो 211 वर्ष पुराना व्हेल है। बोहेड बेल को लेजेंड ऑफ बेल क्यों बोला जाता है जानते हैं आप? क्योंकि उनके शरीर में एक ऐसा जीन पाया जाता है ना, उस जीन का नाम होता है ERCC1। ये जीन है ना, ये DNA की मरम्मत करता है और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी को भी पास नहीं आने देता। ये 60 फीट यानी 18.3 मीटर और 2 लाख पाउंड यानी 91 टन तक बढ़ते हैं और ये एक वर्ष में लगभग 220,000 पाउंड यानी 100 टन तक भोजन खा जाता है। इसलिए इसे लेजेंड ऑफ बोहेड बेल बोला जाता है। तीसरे नंबर की सूची पर रेड सी उर्चिन रखा गया है। ये एक समुद्री जीव है जो प्रशांत महासागर का एक मूल निवासी है। ये लाल रंग के कारण से उनको लाल सागर उर्चिन बोला जाता है। ये ज्यादातर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। ये जीव उथले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। ज्यादातर उन्हें अपनी रीढ़ की मदद से समुद्री तट पर रेंगते हुए भी देखा गया है। ये आकार रीढ़ के अलावा विशाल लाल समुद्री आर्चिन सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले में से एक जीव है। ये लगभग 200 साल तक पहुंच सकता है। चौथे नंबर की सूची पर हमने रखा है अंटार्कटिक स्पंज। अंटार्कटिक स्पंज अपनी तरह का एक लंबी उम्र का रिकॉर्ड रखता है। ये जीव ठंडो पानी में रहने पसंद करते हैं। ये हर साल 0.2 मिलीमीटर बढ़ सकता है, जबकि ये लगभग 200 मीटर की गहराई पर रहना पसंद करते हैं। ये सूर्य का प्रकाश व्यवहारिक रूप से प्रवेश नहीं करता है और यह चयापचय प्रक्रिया को कम करके अंटार्कटिक स्पंज 5,000 से 15,000 साल तक जीवित रह सकता है। हेलो गाइस, पांचवें की ओर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इनके बारे में आपको कुछ और पता हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। पाँचवें रिसर्च की ओर चलते हैं। पाँचवें रिसर्च में हमने एक ऐसा जीव रखा है जो कि अमर है। उस अमर जीव का नाम है टूरिटो पिसिस डॉर्नी। ये जेलीफिश एक मांसाहारी प्रजाति होती है जो मछली के अंडे व छोटे मॉलस्क को खाना पसंद करते हैं। ये मेडूसा घंटी के आकार के होते हैं जिसका अधिकतम व्यास लगभग 4.5 मिलीमीटर यानी 0.18 इंच होता है। ये जितने चौड़े होते हैं ये उतने ही लंबे होते हैं। क्या आप जानते हैं, ये जो जेलीफिश होती है ना इनका कोई मस्तिष्क होता है ना ही इनका कोई हृदय होता है और इसे पृथ्वी पर एकमात्र अमर प्राणी माना जाता है। ये उष्णकटिबंधीय जल में भी रह सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक ने साबित किया है कि ऐसे जेलीफिश बुढ़ापे से नहीं मरती। ये एक निश्चित उम्र तक जीवित रहती हैं और वे छोटे होने लगते हैं, जिसके बाद वे अपने मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, फिर वे विकसित होने लगते हैं। ये कितनी बार ऐसे प्रक्रिया कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार ये अनंत चक्रों तक जीवित रह सकते हैं। ऐसे जेलीफिश अक्सर शिकारियों या बीमारियों के कारण मर जाते हैं। ये धीमी गति से वृद्धि होते हैं और ये आमतौर पर ठंडे पानी में रहना पसंद करते हैं।